आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार यानी आज निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। परवेज मुशर्रफ का निधन दुबई में हुआ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्हें पिछले साल जून में वेंटिलेटर पर रखा गया। लंबे समय की बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि कारगिल की लड़ाई का पूरा लेखा जोखा उनके जरिए ही तैयार किया गया था। खुद पाकिस्तान सरकार इसके बहुत से पहलुओं से अवगत नहीं थी। शुरुआत में तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट तक को लड़ाई के प्लान की भनक नहीं लग सकी। इतना ही नहीं, जनरल मुशर्रफ ने कारगिल लड़ाई को लेकर तीनों सेनाओं के बीच खाई पैदा करने का भी प्रयास किया। पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना को मुशर्रफ की जंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जब पाकिस्तान के हुक्मरान को जनरल मुशर्रफ के धोखे की मार का एहसास हुआ। साथ ही कारगिल की लड़ाई के वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को तोप समझ बैठे थे। उनकी योजना थी कि पाकिस्तान थल सेना की मदद से कारगिल की लड़ाई जीत सकते हैं। कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के प्रमुख रहे वेद प्रकाश मलिक ने अपनी किताब कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री के चैप्टर द डार्क विंटर में ऐसे कई खुलासे किए। उन्होंने लिखा कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के जनरल परवेज मुशर्रफ के धोखे को समझने वाला कोई नहीं था। कारगिल की लड़ाई खत्म होने के कई साल बाद नवाज शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह बात स्वीकार की कि परवेज मुशर्रफ को सेना की कमान सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।